नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त मैं नगीना में हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम जगह जगह जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और चुनावी माहौल जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। मेरे साथ जो है नगीना के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना और समझना चाहेंगे कि इस वक्त बिजनौर नगीना में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, कौन सी पार्टी जो है यहाँ पर भारी जो है वो दिखाई दे रही है, मौजूदा सरकार के बारे में लोगों की क्या राय है। मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मैं वर्तमान में बिजनौर से भीम आर्मी जयभीम का जिलाध्यक्ष हूँ। चुनाव इस समय चल रहा है और जो सबसे मजबूत पार्टी यहाँ पर है वो बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा, जो वर्तमान सरकार है जी, उनसे हमारे यही सवाल हैं कि उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया और रोज़गार के लिए क्या किया। बहन जी को लोग आज इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि बहन जी की जब सत्ता आई तो बहन जी के शासनकाल में शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया और लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मजबूती के साथ लागू किया गया, जिसमें किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं किया गया, सभी के समान अधिकारों का कड़ाई से पालन किया गया, सबको सभी सुविधाएं दी गई। कि इन चीज़ों को सबको सोच करके आज नगीना लोकसभा के जो वोटर हैं वो वोट करेंगे और सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं यहाँ पर सुरेंद्र पाल जी, जिसके समर्थन में हमारी भीमारवी की टीम लगातार काम कर रही है और सुरेंद्र पाल जी को संसद भेजने का काम करेगी हमारी टीम। सरकार की तरफ से कोई बड़ी सौगात नगीना को बिजनौर को दी गई? अभी तक कोई नगीना को बड़ी सौगात नहीं दी गई है। मेरा नाम नीरज कुमार, मैं भीम आर्मी से मंडल सचिव हूँ। इस बार नगीना लोकसभा की ये समस्या ज़्यादा है। हाँ। एक तो बेरोजगारी, एक शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए, और शिक्षा को कई अन्य मुद्दे ऐसे हैं जो कि नगीना की लोकसभा जनता जो है आपके बस यही समय शिक्षा पर रोजगार पर ज़्यादा ध्यान देते हुए वोट करेगी। भाजपा कह रही है पूरे देश भर में 405 सीटें आ रही हैं इस बार, तो क्या नगीना से भी भाजपा जीत रही है? 405 नहीं, 400 खत्म ही हो रही हैं उनकी सीटें पूरे भारत। अच्छा। से हाँ। 400 पार तो बस नारा ही है, वो तो खत्म हो रही हैं सारी सीटें यहाँ से, 400 तो खत्म है, जीरो। कह रहे हैं जनता खुश है, राशन दिया जा रहा है, 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें आ रही हैं और चौतरफा विकास हो रहा है। अच्छा, जनता 5 किलो राशन में क्या कर लेगी? जनता का 5 किलो राशन से कुछ नहीं हो पाएगा। जनता को एक रोजगार चाहिए और शिक्षा स्वास्थ्य ठीक चाहिए, उसी में ठीक है, वैसे 5 किलो राशन में कुछ जनता नहीं कर पाने की। क्या नाम? मोहम्मद इमरान। अच्छा इमरान जी, क्या कार्यकाल रहा है, कैसा कार्यकाल रहा है सरकार का? सरकार का जो यहाँ पे कार्यकाल रहा वो बहुत बेकार रहा है। हाँ। सरकार की जो राजनीति है वो काम पर नहीं, हिंदू मुस्लिम पर ज़्यादा। अच्छा।